हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं हम तुम के ओएसटी पर। और जितना मैंने सुना है आप लोगों से, ये थोड़ा बहुत सुनो छंदा और छुपके छुपके वैसे टाइप का ड्रामा है, फैमिली कॉमेडी टाइप का। तो देखते हैं इसके ओएसटी को। हम लोग बहुत लेट रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक गुड न्यूज है कि हम लोग थोड़ा रेगुलरली कर रहे हैं अभी अपलोड। तो आप लोग ज्यादा भी कंप्लेन, ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए। तो लेट्स चेक इट आउट। दादाजी हर इसमें रहते हैं क्या? वो तो है यार। ओ सारा का क्या बहुत फैमिलियर फेसेस दिख रहा। हाँ वो तो उनको सुनो चंदा में देखा ना हमने। किनको? वो जो लेडी अभी दिखाई थी। वापस आए। चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। इनको भी देखा हुआ, देखा सबको। ये नाम खाली याद नहीं आते। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरे, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। बहुत ही सिली सा साउंड ट्रैक लग रहा है, बहुत ही ऑब्वियसली ऐसे एक फन शो को सूट कर रहा है। जैसे सुनो चंदा का वो है। ये सब क्या क्रेजी थिंग्स हो रहा है ये शो में। तेरी हंसी जादू भरी लगती है सबसे निराली, ओ तेरी हंसी जादू भरी लगती है मुझको निराली। मुझे एक डिफरेंस दिख रहा है इसमें, कॉलेज पे बहुत फोकस लग रहा है कंपेयर्ड टू बाकी शोज। तू पल भी वो ना चल सके, राहों में मिले जो तुमको राही, राहों में मिले जो तुमको राही, ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती है छोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। मजा आ गया ये ओएसटी सुन के। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली ये भी देखने का मन हो रहा है अभी। मेरे से ज्यादा तो आकाश को हो रहा रहेगा, क्योंकि आकाश को ऐसे ड्रामास बहुत पसंद है, ऐसा कॉमेडी में काफी पसंद है। मुश्किल बड़ी ये दिल भरी, दर पे आया बन के मैं सवाली, मुश्किल बड़ी ये दिल भरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बात तेरी जाली, चिकनी चुपड़ी बात तेरी जाली, ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। आज अमीर को ऐसे सिली रोल में देख के स्माइल आ जाता है फेस पे, क्योंकि उनको देख के मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है कि सीरियस रोल ज़्यादा प्ले किया उन्होंने। वो तो है, लेकिन ऐसा रोल बहुत ही सूट करता है उन पे। तेरे को मन नहीं कर रहा ये देखने का? ओएसटी सुन के ही देखने का मन कर रहा। मेरा मन देखने का, मैं ऑलरेडी 17 एपिसोड देख चुका हूँ इसके। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा आप लोगों को, लेकिन हाँ मैं 17 एपिसोड देख चुका हूँ, क्योंकि
ये बात मैंने राज से भी छुपाई है और आप लोगों को भी मैंने जिक्र नहीं किया इस बात का वीडियोस में फिर कोई भी। इसमें रिएक्ट करने का तेरा क्या मतलब है? ऑब्वियसली है मतलब, क्योंकि मुझे ये ड्रामा पसंद है, इसके जो सारे कैरेक्टर्स है वो मुझे पसंद है। एटलीस्ट मेरे को बता। मैं बताया नहीं राज को, लेकिन मैं ये देख चुका हूँ, बहुत बहुत मतलब बहुत अभी सेंस जबरदस्त बन रहा है। ड्रामा तू इमीडिएटली वो लिरिक्स गाने लगा था, मैं है। तेरे तरफ देखा, उसके बाद तू शांति हो गया। मुझे लगा नीचे का वो मैं बोला रीड पकड़े गए, करके लेकिन मैं बोला नहीं। मैंने फिर सोचा वो ओके वो कैप्शंस को देख के तू शायद गा रहा है, लेकिन नहीं, मुझे मुझे मैं सच में ओएसटी सोचा यार कि ये क्यों गाने कैसे लगा इतना जल्दी। बहुत जबरदस्त ड्रामा है यार, सीरियसली। इसमें जो दद्दू है वो सारे ही कैरेक्टर बेस्ट है, मतलब ये दोनों का तो केमिस्ट्री काफी अच्छा है। आदरजा हाँ, भी और और रमशा बहुत झगड़ते रहते हैं मतलब, और ये दोनों काफी वो रहते हैं, कहते हैं ना ब्लश जो इंसान, हाँ, शर्मीले। शर्मीले, हाँ वैसा है। तो बहुत ही अच्छा लेकिन अभी ड्रामा मैं पूरा रिएक्शन से बाहर आ चुका हूँ। रिव्यू करने के लिए सोचना पड़ता है शो के बारे में। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि आकाश ने और कितना एपिसोड देख लिया। 17। मैं कल रात को एक्चुअली धोखा देखते दिया मुझे ऐसा देखते, लग रहा है मुझे। मैं कल रात को देखते देखते सो गया था, तो स्टार्ट है आगे भी करने वाला। ऑब्वियसली तुझे तो ऐसे शोज पसंद है। मैं बहुत पसंद करता हूँ मतलब, सीरियसली कहूँ तो। तुझे तो हंसी आ रहा रहेगा मेरे पे। मैं जब बोल ये रहा था कि ऐसे शोज जब आकाश को ये ज्यादा हम लोग जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे, तब मैं ऐसे थोड़ा सोच रहा था इसको बता दूँ या नहीं। मैंने सोचा क्यों बताना है, इतना अच्छा ओएसटी है, अगर रिएक्ट बता कर। दिया रहता था ना मैं अकेले रिएक्ट करता था। लेकिन ठीक है इससे ही सुन लेते हैं। कोई कोई स्पॉइलर्स मत देना, नहीं बस बिल्कुल नहीं, बता कि देखने लायक है क्या। ऑब्वियसली देखने लायक है, क्योंकि स्टार्टिंग से जो मज़ा है मतलब, जैसे कि कॉमेडी स्टार्ट है मतलब, और पूरा ऐसा कोई एक दो एपिसोड, वरना कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि स्टार्टिंग के एक दो एपिसोड अच्छे नहीं लगेंगे ये वो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मैं स्टार्ट से देख रहा हूँ, अभी तक पहुँचा हूँ 17 तक, मुझे सभी अच्छा लगा मतलब, ऐसा और एक भी ऐसा लगा नहीं है कि नहीं देखने ऐसा है, या मतलब ये कैरेक्टर बहुत वो है जिसको देखकर अच्छा नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक नोटिस किया था, सुनो चंदा और छुपके छुपके उनका फॉर्मूला बहुत ही सिमिलर था। पूरा फैमिलीज के बीच में का जो केमिस्ट्री है उस पर बेस्ड था और जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स हाँ, है। ये थोड़ा बहुत डिफरेंट लग रहा है मुझे ये नहीं ओएसटी देख के कि फैमिली ड्रामा तो है ही लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ कॉलेज का भी लाइफ थोड़ा एक बहुत मैं दिख इसमें रहा बता दूँ, इसमें कैसा है, आमने सामने की फैमिली होती है मतलब, आमने सामने वाले घर वाले होते हाँ हैं। वो फॉर्मूला चुपके चुपके हाँ में भी था ना। हाँ लेकिन अच्छा वो एक घर के होते हैं, अच्छा ये एक ये घर के नहीं है, सामने लेकिन के फिर भी इनका रिश्ता एक घर वालों जैसा होता है, और ओ ये सामने वाले बंगलों में, एक दूसरे के सामने वाले बंगलों में रहते हैं अच्छा वैसा। तो डिफरेंस हाँ है। मतलब एक साइड पूरा तीन लड़कियां हैं मतलब, जैसे रमशा खान और ये सारा सारा, और एक साइड वैसे मतलब ये आदराज आमिर की फैमिली वैसे। बहुत अच्छा ड्रामा है यार सीरियसली, जिसने नहीं देखा जरूर फिर भी देखे। मेरे साथ धोखा हो गया यार। धोखा नहीं यार, मैं कैसे मतलब, मुझे सजेशन में आया था हम तुम, तो मैंने सोचा चलो पाकिस्तानी ड्रामा, और आहद रजा मीर है, और सॉरी आहद रजा मीर। हाँ इतने एपिसोड्स देखने के बाद मुझे बताया क्यों नहीं कि ये देख रहा है। मुझे ऐसा लगा कि तूने ऐसा मतलब, मुझे ऐसा लगा इसमें बताने जैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ना ओएसटी पे रिएक्ट किया है ना कुछ भी, तो मैंने सोचा चलो देख ही लेते और क्या। और जब पहला एपिसोड देखा तो मुझे फिर लगा यार देखने जैसा है और देखने लायक है, मैंने सोचा चलो अभी स्टार्ट ही कर देते हैं मतलब। क्यों पता नहीं और एक दिन मुझे ऐसा नहीं थोड़ा गया, ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरा मतलब देखूँ, तो ये देखने का इतना इंटरेस्टेड है मतलब, और काफ़ी इतने सारे ड्रामा भर भर के पड़े ना कि मैं बहुत से यूजुअली तू बाकी है देखने। बताता तो है यार कभी ना कभी कि मैं ये वाला ड्रामा देख रहा हूँ। ये काफी पाकिस्तानी ड्रामास देखता है आजकल। इंटरेस्टिंग वो तो है, कैसा तुझे लग रहा है मुझे धोखा देके। धोखा नहीं दिया मैंने। बताना तो चाहिए था यार। मैं बताया ऐसा नहीं, ठीक ऐसा है। लग रहा है कि मैं इसको जानता तक नहीं हूँ लेकिन अभी। मज़ा आ रहा है यार देखने का, सीरियसली ये आप शो लोग को भी क्या देखो। रेटिंग देगा तू अभी तक जैसा चल रहा मेरा मानना ये है कि मैं इसको 9 out of 10 दूंगा। इतना हाँ क्योंकि मुझे जिस तरह से पसंद आया उस तरह से मतलब, छुपके छुपके जो था मैं उसको भी इतना ही दूंगा, सुनो ऐसे चंदा, टाइप के शोज इसको इतने इतना पसंद है ना इससे पूछ के कुछ मतलब ही मज़ा नहीं आता है है। देखने का, मैं अगर देखूंगा ना वो फिर थोड़ा सीरियस है। हाँ ज्यादा थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा रिव्यू। लेकिन ये इसको इसका फेवरेट जॉनर है वो तो शो है, का तो ऑब्वियसली ये एंजॉय करने वाला है। बट ओएसटी बहुत ही ज़बरदस्त बहुत था। जबरदस्त था। एंड ऐसे अली ज़फ़र के वॉइस के बारे में भी तारीफ करना चाहिए। अरे ऐसे एक यार फन सॉन्ग के लिए उनका वॉइस मतलब 100% अली जफर की सूटेड बात तो अलग है यार मतलब, मैं जब भी ये ड्रामा जब
स्टार्ट करता हूँ देखने का, तो वो जो पहले उसका जो छोटा सा सॉन्ग आता है वो गाता है, क्योंकि वो मज़ा आता है सुनने में। लेकिन अली जफर का तो मतलब क्या कहना, इतने सालों से मशहूर है और आवाज़ तो उनकी। फीमेल सिंगर को मैं नहीं जानता, दामिया फारूक, मैं आई डोंट थिंक मैंने उनका पहले कभी सुना है, लेकिन अली जफर यार फन सॉन्ग्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि वो डियर जिंदगी में भी गाया है वो सॉन्ग, बहुत से ऐसे सॉन्ग है जो इज अच्छे लगते रियली हैं। गुड, हाँ वो तो सबको पता है, अली जफर को कौन नहीं जानता, सिर्फ बताने पाकिस्तान में नहीं इंडिया में भी हर कोई जानता की है। जरूरत ही नहीं है, मतलब हाँ, वो तो है। और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में तारीफ किया भी है हमने, वो तो है। तो वापस वापस वो नहीं करूँगा, लेकिन बहुत अच्छा था एंड इट सीम्स लाइक जो शो का मूड है उसको परफेक्टली कैप्चर करता है। वो तो है। अभी मैंने तो देखा नहीं है, फिर भी मुझे ये ओएसटी में जो सीन्स दिख रहा बहुत है बहुत बहुत से ही सीन्स क्रिंज। ऐसे मैं सोच रहा था बता दूँ ये जगह पे ऐसा होता ही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं रहने देता हूँ, नहीं सिर्फ मेरे बताता। साथ नहीं, आप लोग के साथ भी धोखा हुआ, ये कब बता रहा है, एक बार ओएसटी पे रिएक्शन होने के बाद। नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, मतलब मैं ऐसे कोई नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा पहले रिएक्ट कर लूँ फिर नहीं बता ठीक देता है, यार, अच्छी बात है ना, अगर तू एंजॉय कर रहा है वापस सुनने में तो फिर कोई बात मुझे नहीं। अच्छा लगा था इसके लिए। एनीवेज, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम टीवी का ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, ऑल क्रेडिट गोज टू देम। एंड अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको और भी ओएसटी रिएक्शंस चाहिए। एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय।